हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आई चैनल गाइस। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे आप लोग माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के लिए या जावा एडिशन के लिए अपना कस्टम सर्वर बना सकते हो, मतलब अपने खुद का वर्ल्ड डाल सकते हो, उसमें स्काई ब्लॉक या वन ब्लॉक का सर्वर बना सकते हो। सो गाइस, उसके लिए कुछ ऐप्स और वेबसाइट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। सो ऐप्स जो है वो ये रहे आपके स्क्रीन पर। सो गाइस, यहाँ पर आप लोगों को JDRG और माइनक्राफ्ट एडिशन की लिंक आप लोगों को मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो वहाँ से आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। और उसके बाद गए, अगर आप लोगों के पास वेबसाइट चाहिए ना कि वहाँ पे हम सर्वर बना सकते हैं, तो गाइस ये रही आपके स्क्रीन पर। तो गाइस अटारडॉस की चाहिए। सो ट्यूटोरियल्स दिखाता हूँ मैं अभी आप लोगों को। सो पूरे ट्यूटोरियल्स वैसे के वैसे ही फॉलो कर दे। जावा एडिशन वालों को भी वैसे ही है कि अब जावा एडिशन वाले तो PC में करेंगे। सो अगर आपको समझता है तो ही करिएगा, और अगर नहीं समझता है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको अलग से PC वाला ट्यूटोरियल बता दूंगा। ओके, सो चलिए बढ़ते हमारे वीडियो की तरफ। सो गाइस, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको माइनक्राफ्ट एडन्स को खोल लेना है, और यहाँ पे सर्च करता है वन ब्लॉक। आपका इंटरनेट चालू चाहिए इसके लिए। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे वन ब्लॉक है, बट ये मेरे वाले मुझे चाहिए वन वो नहीं है। सो आई थिंक वन ब्लॉक नहीं है इसमें। नहीं, ये तो लकी ब्लॉक वगैरह ही है सारी। आई थिंक वन ब्लॉक है ही नहीं इसमें। सो मुझे शायद से स्काई ब्लॉक सर्च करना चाहिए। अब ये स्काई ब्लॉक डालता हूँ मैं यहाँ पे गई इसके अभी LOC के। चलो, सो ये मैजिक स्काई ब्लॉक है, और है क्या कुछ मेगा स्काई ब्लॉक। सो ये मैजिक ही डाउनलोड कर देता हूँ मैं। ओके, मैजिक क्राफ्ट स्काई ब्लॉक। सो गाइज, ये ऐसी एक एड आप लोग को शो होगा, सो उसको आप लोग नज़रअंदाज कर दीजिएगा। और यहाँ से आप लोग को प्ले माइनक्राफ्ट कर देना है जब इंस्टॉल होगा तब। सो प्ले माइनक्राफ्ट पर मैं क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पर गाइस दो आ गए हैं, बिकॉज मैंने दूसरा क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग लिया है। सो माइनक्राफ्ट पर आप लोग को क्लिक करना है। मेरा माइनक्राफ्ट स्टार्ट हो रहा है गाइस। सो आप ऐसे माइनक्राफ्ट के होम पर आने के बाद में ये ऊपर दिख सकते हैं आपको लेवल इम्पोर्ट स्टार्टर और लेवल इम्पोर्ट फिनिश्ड सक्सेसफुली। सो ये इसके लिए आप लोग को रुकना होता है। सो अब प्ले पर मैं क्लिक करता हूँ गाइस। सो यहाँ पर ज़रा टाइम लेगा ये, बिकॉज वहाँ पे अपना एक नया वर्ल्ड आ गया है। सो देख सकते हो मैजिक क्राफ्ट स्काई ब्लॉक 1 है। सो गाइज, इसका अभी मुझे नेम बदलना है। सो बिकॉज एक मिनट यार, ये लोडिंग रिसोर्स पैक्स आने दो यार, होने दो, क्योंकि मैंने अभी एक रिसोर्स पैक एक्टिवेट किया था। सो अभी आप लोग इसकी नेम एडिट कर सकते हो अपने मन से। सो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ यार स्काई ब्लॉक। ओके, चलिए इसको मैं कर देता हूँ कट, और यहाँ पर लिख देता हूँ CR स्काई ब्लॉक। ओके गाइस, सो ये अभी हमारा पूरा स्टेप हो गया है। अब आपको आ जाना है अपने JDRG में। सो गाइस JDRG में आने के बाद में गाइस आप लोग को नीचे स्क्रॉल करना और गेम्स के फोल्डर में जाना है। देख सकते हो ये वाला गेम्स का फोल्डर। सो इस पर आप लोग को क्लिक करना होगा। ये नीचे नहीं माइनक्राफ्ट शेडर हो गया, बट गेम्स पर ही जाना है। उसके बाद कॉमनोट मोजंग में जाना है गाइस, और माइनक्राफ्ट वर्ल्ड्स। अब गाइस देख सकते हो यहाँ पे, तो ये जो सबसे लास्ट वाला है GZ, तो इस पर क्लिक करना है। अब ये पता कैसे करना है कि ये हमारा वर्ल्ड है। सो उसके ऊपर आप लोग को क्लिक करना होगा, और उसका जो वर्ल्ड आइकन होता है ना, इस पर इसको आप लोग को देखना होगा। अगर आप लोग अपना वर्ल्ड आइकन पता है तो ठीक बात है, नहीं तो ये लेवल नेम TXT है, इस पर क्लिक करके HTML व्यूअर करना है। सो अगर देख सकते हो उसकी CR स्काई ब्लॉक हमने अभी नेम बदला है। सो इसको मैं पहले रीनेम कर लेता हूँ CR स्काई ब्लॉक से CR स्काई ब्लॉक। ओके, सो गाइस अब मैं इसकी zip फाइल बना देता हूँ, कंप्रेस टू zip। ओके, बन गई। सो अभी गाइस आप लोग को इसको कुछ भी नहीं करना है। अब लोग आप लोग को गूगल पे जाकर एटरनॉस का सर्वर एटरनॉस सर्च करना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया आपको। सो यहाँ पे क्रिएट सर्वर पर करना है, और यहाँ पे आप लोग अपना कस्टम नेम दे सकते हो। सो यहाँ से आप लोग दोनों जावा और इसके लिए भी बना सकते हो, बट मुझे जावा के लिए नहीं बनाना है फिलहाल में। सो अरे ये एक्चुअली है। सो यहाँ पे इसका ब्लॉक बाय CR लिखता हूँ मैं, और यहाँ पे बेडरॉक एडिशन करना है। अगर आपका पॉकेट एडिशन है तो जावा है तो जावा करना है, बट फिलहाल तो मैं पॉकेट एडिशन ही कर रहा हूँ। और नीचे क्रिएट कर देना है। अब ये स्टार्ट का है, यहाँ पे अभी आप लोगों को कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है गाइस। ये जो ऊपर 3 लाइन से, इस पर क्लिक करना है ये वाली, और यहाँ पे देख सकते हो आप वर्ल्ड्स है, वर्ल्ड्स। ओके, वर्ल्ड्स में जाना है, सॉरी वर्ल्ड्स में जाना है गाइस आप लोगों को, और यहाँ पर अपलोड है। सो अपलोड, और यहाँ पे आएगा GPRG और फोल्डर। सो GPRG ऊपर ही कीजिए। सो गाइस यहां डॉक्यूमेंट्स में रहिएगा, और ये 3 लाइंस पर फिर क्लिक करना है। सो गाइस ये मैंने ब्लर इसलिए किया क्योंकि मेरे बाप
पे प्राइवेट कुछ इन्फॉर्मेशन थी। सो उसके बाद मैं गाइस आप लोगों को जीरो आर्चर में आ जाना है, गेम्स के फोल्डर में जाना है अपने। सो चलिए मैं जल्दी से नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। तो गेम्स कॉम डॉट मोजैंग माइनक्राफ्ट वर्ल्ड्स में हमने वो जीप रखी थी ना, इसीलिए। सो ये जीप को मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, शेयर स्क्रीन पर अभी अपलोड हो रही है गाइस धीरे धीरे। सो देख सकते हो ये ब्लैक ब्लैक पूरा हो जाएगा ना, तब वो अपलोड हो जाएगी। ओके सो तब तक के लिए वेट करते हैं। अगर आप सोचते हो कि गाइस उसके बाद मैं आप सेकंड मोड में जाऊँ, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये देखो चेंजेस नहीं होंगे, इसीलिए आप लोगों को रुकना। और देख सकते हो ये ब्लैक ब्लैक पूरा हो जाने दीजिए आप, इसके बाद में एक लोडिंग होगी। ओके सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप, ऊपर में एक लोडिंग हो रही है, ऊपर में एक जो ब्लू लाइन आती है ना लोडिंग की, वो हो रही है। सो इसको पूरा हो दीजिए। अब हो गया हमारा वर्ल्ड। सो गाइस अब आप लोग सर्वर में जाइए और यहाँ पे आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। ओके आई एक्सेप्ट यूला, और यहाँ पे स्टार्ट हो गया। ओके सो गाइस ये स्टार्ट होने हो गया है। सो मैं आ गया अपने माइनक्राफ्ट में, कब जाना होगा अपने सर्वर्स में। ओके माइनक्राफ्ट में साइनिंग की हुई चाहिए। ओके सो सी आर स्काई ब्लॉक में जाना है, एक मिनट, मतलब जो आपका वर्ल्ड होगा उसमें, और ज्वाइन सर्वर कर देना है। सो गाइस ज्वाइन सर्वर करने के बाद में क्या होगा ना, कि जो भी आपका वर्ल्ड का साइज होगा ना, वो आपको वो कहेगा कि डाउनलोड कर दीजिएगा। सो देख सकते हो अब मुझे कहेगा वो थोड़ी देर में, तो देख सकते हो डाउनलोड एंड ज्वाइन करना है आप लोग को। सो गाइस ये फटाफट से हो जाएगा मेरा, मैं आप लोग को कुछ भी स्किप नहीं कर रहा हूँ जानबूझ कर, बिकॉज मैं पूरा पूरा बताने वाला हूँ आज। सो एक्चुअली माइनक्राफ्ट के वीडियो इसीलिए बड़े होते हैं क्योंकि ये लोडिंग काफ़ी टाइम लेता है यार। सो देख सकते हो शायद से अपना कोई पैक जो था वो एक्टिवेट हो गया होगा, सॉरी ज़रा जुकाम है यार। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मेरा माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड ये लोड हो गया है। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे कहाँ पर क्लिक करके मैं स्काई ब्लॉक में जाऊँगा। इससे अच्छा कि बेटर रहेगा कि आप लोग यार यूट्यूब से ही कहीं से ले लो, क्योंकि काफ़ी सारे बंदों ने बनाए हैं, वन ब्लॉग भी बनाया है, वाटर ब्लॉग्स भी बनाए हैं। सो आई विल सजेस्ट यू टू गो विथ यूट्यूब ओनली। ओके सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो सही लाइक कर दीजिए, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते अगले वीडियो में।